अब हम बुक पे अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। इकरा मैथमेटिक्स बुक 1, एक्सरसाइज हमने करनी है 7.3, पेज नंबर है 154। नाउ ओपन योर बुक एंड द पेज नंबर इज 154। जी, पेज नंबर इज 154 मैंने ओपन कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेट, आज है हमारी 19/8/2020। एक्सरसाइज है 7.3। जी, सब बच्चों ने ओपन कर ली। ओके, वेरी गुड। एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। कि आपके पास मिक्स फ्रैक्शन दी होगी, उसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया भी था। अब मिक्स फ्रैक्शन यानी कि होल की फॉर्म में दी होगी, उसको हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। जी, अब जैसे फर्स्ट पार्ट है बच्चों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। रफ पेज ले लें या रफ कॉपी। अब मेरे पास है 2 होल 4/6 ए पार्ट। अब हमने किस तरह करना है इसको, मैंने आपसे ये कहा था कि 6 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा हम उसमें 4 को प्लस कर देंगे। ठीक है, 6 का टेबल 2 तक रीड कीजिए। 6 1 6 6 2 12। अब 12 में 4 को प्लस करें तो क्या आंसर आता है, 12 में 4 को प्लस कीजिए तो क्या आया, 16। 16 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर जो 6 था वो एज इट इज़ हम राइट करेंगे, तो आंसर क्या आ गया, 16/6। अब बच्चों अगर आप ये देखें, अब वो देखें, उन्होंने कहा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके पास न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो ये देखें, ये भी वैसे ही आ रहा है, न्यूमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इम्प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या पार्ट है, 4 होल 2/5 बी पार्ट। 4 होल 2/5 कैसे करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम 2 को प्लस कर देंगे। जी, 5 का टेबल 4 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20। 20 में 2 को प्लस कीजिए, 22 22, और ये हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हम क्या राइट करेंगे, अब इसका आंसर क्या आ गया, 22/5। ठीक है जी। जी बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गए क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर है सी, क्या वह है, 7 होल 1/2। यहाँ हम रफ पे क्वेश्चन राइट करते हैं, सी पार्ट, 7 होल 1/2। अभी हमने जैसे प्रीवियस पार्ट पिछले किए, 7 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम 1 को प्लस कर देंगे। जी, 2 7 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14। तो 14 में 1 को प्लस करें तो क्या आंसर आता है, 50। वेरी गुड, तो हम 15 यहाँ पर राइट करेंगे, यानी कि न्यूमिनेटर बनेगा और डिवाइड में ये जो डिनोमिनेटर 2 है ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 15/2। अब हम उसके सामने राइट करते हैं, 15/2 या 15/2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट डी है, 1 होल 4/5। यहाँ हम राइट कर लेते हैं डी पार्ट, 1 होल 4/5। जी, क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
जो आंसर आएगा उसमें न्यूमिनेटर को प्लस कर देंगे। फाइव वन्स आर फाइव, तो उस फाइव में उस फोर को प्लस कीजिए, तो फाइव में फोर प्लस करें तो क्या होता है, नाइन। वेरी गुड, ये नाइन हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, फाइव। वेरी गुड, यहाँ हमने फाइव राइट कर दिया। ठीक है जी, अब हमारा आंसर आया नाइन बाय फाइव, हम यहाँ राइट कर देते हैं नाइन बाय फाइव। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पार्ट है थ्री होल सेवन बाय एट, ई पार्ट। थ्री होल सेवन बाय एट जी, हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी एट का टेबल थ्री टाइम्स रीड करेंगे और फिर हम उसमें सेवन को प्लस कर देंगे जी। एट वन ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर। अब ट्वेंटी फोर में सेवन को प्लस करके बताएं क्या आता है। वेरी गुड, ट्वेंटी फोर प्लस सेवन इज थर्टी वन। ये हमारा न्यूमिनेटर हो गया, लाइन लगाएं, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी एट है तो यहाँ पे भी हम एट ही राइट करेंगे। तो हमारा आंसर आया थर्टी वन बाय एट। अब हम राइट कर लेते हैं यहाँ पर थर्टी वन बाय एट। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको प्रैक्टिस पहले भी बता चुकी हूँ, प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं कि आपने ये क्वेश्चन राइट करना है और ये आगे मैंने तो आपको सॉल्व करवा दिया, लेकिन रफ कॉपी पे ये आपने खुद सोच के सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताए, ये आपने राइट नहीं करने रफ कॉपी पे, ये आपने खुद सॉल्व करके राइट करने हैं। ठीक है जी, नोट डाउन योर डायरी, दिस इज़ योर डायरी, पेज नंबर 154। क्वेश्चन नंबर आपने वन प्रैक्टिस में करना है, ठीक है, और लर्न करना है टेबल ऑफ एट नाइन, और डॉजिंग के साथ बेटा आपको ये दोनों टेबल्स आने चाहिए। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।